भाई साहब जहाँ देखो भाई रंगोली रंगोली देखो, ये मिल रही शायद रंगोली कंपटीशन है। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अभी ऐसा है कि अभी मैं आया हूँ एटीएम, और काम पता क्या है, वो जो भाई हुआ ये सिस्टम है कि इसका तांत्रा बज गया है। तांत्रा बज गया है। जो एग्ज़ाम फिलिंग जो डेट थी वो थी कल लास्ट, और जिस टाइम हम भाई मूवी देखने गए थे, और हुआ ये है कि अब वो पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, उसमें आ रहा है कि अवेटेड, योर फॉर्म इज़ अवेटेड, एंड देन इन्होंने तो भर दिया भाई जैसे जैसे करके। और मेरा वाला जो था, मेरे पास जो पैसे थे वो अरेंज नहीं हुए, और अब फिर से यहाँ पर भाई प्रॉब्लम वो क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब पता नहीं भर जाएंगे नहीं भर जाएंगे, उसको कोई पता नहीं है भाई। और भाई मुझे नहीं पता भाई वो फॉर्म भरे जाएंगे अभी या ना भरे जाएंगे, कोई पता नहीं है। बट मुझे सीरियसली भाई बहुत डर लगा है। अभी कॉलेज जाएंगे, ऑफिस में पूछेंगे। और हेलो, क्या हाल है? ये देखो भाई अंजलि, ये दूसरी अंजलि, अंजलि वन अंजलि टू। तो क्या हाल चाल भाई? वाह भाई वाह। भाई सारा लोहे का सामान, दराटी दराट कुल्हाड़ी वाली वो नोकीली, देखो भाई लग गई दुकानें। वाह, मैं बोल रहा हूँ ना ये तो खाने का बड़ा मन करता है मेरा, पर क्या करें। ये देखो भाई चासन पूरी। क्या बात है। ये है मज़ा भाई यहाँ पर देखो। आज शायद मुझे लगता है कि आज वो आज महिला का वो होगा, शायद कंपटीशन्स हो गए इधर। चलो चलते हैं थोड़ा घूम लेते हैं अंदर, हमारे दोस्त वगैरह भी इधर ही हैं। देखो भाई आज फर्स्ट डे है, रमन भाई आज रश नहीं है उतना, लेकिन कल होगा बाबा बहुत ज़्यादा रश होगा कल। ये देखो भाई हर कुछ है ना, हर कुछ है ना, बहुत ज़्यादा भाई साहब। भाई ऐसा लग रहा है रियल में है भाई, रियल में ऐसा लग रहा है। वाह भाई जैकेट्स वगैरह, ऐसा है कि जैकेट वगैरह अब तो कौन लेगा, गर्मी आ गई है। हाँ ये होता है कि अगले साल के ले सकते हैं। एक दो नंबर बड़ी लेनी, ये दिमाग लगाता है और तगड़ा वाला। सो भाई मेरी पहली खरीदारी बारी ये रही कान साफ करने के। ये अपने ब्रांड बन गए, ये अपने गांव वाले। ये देखो भाई क्या बनाया हुआ मोर, बाकी कहाँ है? अच्छा उधर बैठे सामने, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है। सो भाई यहाँ पर लगे हैं रंगोली कंपटीशन, और यहाँ पर लगी है भाई क्या लगती है वो डांडी, मतलब घड़े में मारते हैं भाई ये उठा के, है ना, देखे हाँ देखते हैं थोड़ा घड़ा तोड़ भाई, घड़ा तोड़िए। देखो भाई मम्मी वगैरह वहाँ बैठे, देखो वो भी बड़ी जल्दी संपन्न हो जाएगी। देखो हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि टाइम नहीं लगेगा। और देखिए और अभी यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, और जहाँ पर देखो भाई हमारी चाची जी भी हैं, वो देखो भाई, और हमारी एक बहन है कोमल, हमारे भरियाड़ा महिला मंडल। स्टार्ट होने वाला, देखो शबाज। यहाँ पर भाई ये रुमाल अपने मुंह से उठाएंगे, घड़ा घड़ा गिर गया भाई, वो एक और गया। कप देखो ये बंदा भाई कितने उसे जा रहा है, अगर
थोड़ा सा हिल गया ना भाई तो सारे भाई ठल 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 करते नीचे गिर जाएंगे। मेरे बारे में बात हो रही है बिकॉज मैंने फॉर्म नहीं भरा। तो ये एक्चुअली हुआ ही है ना सीन भाई की, मैं तब थक गया था, आपको पता है हम पालमपुर से आए थे और हमने खाने वगैरह खाया बढ़िया, और मैं सोचा यार मैं भर दूंगा, खाना खा के भाई याद ही नहीं रही, और इन्होंने कॉल किया था खाना खाने से पहले किया था कॉल मेरे को, और जब मैंने खाना खाया और फिर आया भाई रूम में और से 10 हो गया, थोड़ा बहुत एडिट किया फिर आधा बचा था वो किया मैंने सुबह। एक और मार दे शाबाश, ये बात भाग गया देखो भाई ये जो स्पेस है ना आरटी ऑफिस के सामने जो ये स्पेस है, यहाँ पर भाई देवती वगैरह ठहरेंगे, जो जलेब जो निकलेगी वो निकलेगी नीचे, जो रामलीला मैदान ये एसटीएम हाँ तो आरटी ऑफिस ही जो है इधर ही है ना आरटी ऑफिस है, हाँ एसटीएम ऑफिस ही आरटीए की बात है, तो यहाँ पर ठहरेंगे और जो जलेब आएगी भाई वो नीचे से आएगी, अभी हम वहीं से आएंगे भाई घूमते घूमते बढ़िया देवताओं के साथ, तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। सो ये देखो भाई ये प्रिंटिंग वगैरह होगा, जैसे किसी कप में जैसे ये इन्होंने सैंपल रखा है, ये देखो भाई कोई फ़ोटो वगैरह आपको बढ़िया है तो प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ देखिए भाई श्री प्रकाश राणा जी। ये देखो भाई फैशन Thank you.
जी मैं आ गया अभी घर और भैया बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कसम से। मतलब आज ऐसा था ना कि मैं आज सुबह ही खा के गया था बस इतना सा, और पूरा दिन भूखा रहा, लेकिन भूख भाई फील नहीं हुई बिकॉज आज इतने सारे देवी देवता आए थे और मतलब पूरा का पूरा दिन भाई उन्हीं के साथ हो गया। मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब उन जैसे आ रहे थे उनको देखो, मतलब भूख बिल्कुल भी नहीं लगी भाई। हाँ ये था कि लग थोड़ी बहुत ऐसा फील हुआ कि नहीं कुछ खाया नहीं भाई, खा ले चक्कर चुक्कर आ जाएगा नहीं तेरे को, बट नहीं, फिर मैं सोचा नहीं अभी नहीं बाद में खाएंगे बड़ी आराम से, जब जैसे पशुकोट देवता, फिर हुरंग नारायण जी, फिर जैसे जैसे पूरे वो देवी देवता आ जाते हैं। तो वो देखो ना, फर्स्ट डे का मज़ा सिर्फ मेले में नहीं है, मेला फर्स्ट डे में क्या होएगा, लेकिन फर्स्ट डे में भाई जो जलेबी निकलती है ना वो नहीं देखी तो क्या फ़ायदा भाई मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट डे और लास्ट डे जब वो जलेब दो बार निकलती है, हाय हाय क्या ही बात है भाई। मतलब ढोल ढमाके जब बजते हैं ना, वो दूसरे उनका अलग ही साउंड, मतलब अलग एक वाइब्रेशन होती है भाई जो चलती है ना, तो पूरी बॉडी कांपती है भाई पूरे की पूरी, मतलब पता नहीं क्या एनर्जी आ जाती है भाई खुद ही। तो ऐसा था, फिर घर आके थोड़ा बहुत खाया और बस। तो अभी ऐसा है कि आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, और कल बहुत ज़्यादा रश होगा मेले में, तो थोड़ा बहुत वो बताऊँगा। तो चलिए फिर है ना, इसी पल के साथ मैं आपसे तौविदा और स्वागत करूँगा नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय और जय देव पशुकोटे।